कालका शहर में प्रसिद्ध महामाई काली माता मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहाँ पर दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालुगण महामाई के दर्शनों को आते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर के लिए कोई भी पार्किंग नहीं है और माँ काली के भक्तजन अपने वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा करने को मजबूर हैं, जिस कारण काली माता मंदिर के आसपास जगह काफी तंग है, जिस कारण वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है और यहाँ सुबह से शाम और रात तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। ये ना मसला काफ़ी पुराना है कालका शहर का, और महाकाली जी का जो मंदिर है वहाँ सड़क ना थोड़ी तंग है, तो जो पंजाब हरियाणा से माँ कालिका के भक्त आते हैं जिनकी कुलदेवी है उनको बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ, क्योंकि वहाँ मंदिर के आगे ट्रैफिक वाले खड़े हो जाते हैं, अगर ट्रैफिक वाले ना खड़े हों तो वहाँ जाम लग जाता है। और लोगों का क्या कसूर है जो बाहर से आते हैं, वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें, जगह तो है नहीं, या तो हम उनको कोई व्यवस्था दें। अब एक आदमी आता है उसके साथ उसकी पूरी फैमिली होती है, पुलिस वाले झपट पड़ते हैं उनके ऊपर के, चलो 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 आगे चलो चलो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन श्राइन बोर्ड इसकी और पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहा। मेरे को तो लगता है कि मुझे जो है कालका के लोगों को हेल्प चाहिए कि हम सब मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि पार्किंग बन सके। कालका और पंजौर के लोग अगर सहायता करेंगे तो पार्किंग तो बन ही सकती है, अगर श्राइन बोर्ड नहीं बना रहा तो लोग आगे आए हम रल मिल के उसमें पार्किंग बना लेंगे। महामाई काली माता मंदिर के लिए कोई भी पार्किंग नहीं है और पार्किंग के लिए कालका और पिंजौर के लोगों ने भी कई बार डिमांड की, लेकिन ना जिला प्रशासन ना ही श्री काली माता श्राइन बोर्ड इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, जबकि दूर दराज से आने जाने वाले श्रद्धालुगण अक्सर अपने वाहनों से आते जाते हैं और उन्हें मजबूरन अपने वाहनों को सड़क के किनारे पर खड़ा करना पड़ता है। सर, इसके बारे में काफी देर से चल रही है, कोई सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने के लिए को जगह दी गई थी, उस पर सरकार ने आज तक कोई वो काम नहीं किया। अभी तक जो सरकार को जगह मिल रही थी, संसद में से जगह दे रहे थे, सरकार ने कोई वो नहीं किया उसके ऊपर। यही अभी तक पार्किंग का कोई वो नहीं बनाया था। इनको एक सुझाव भी दिया गया था कि जो रोड पे आते हुए जब धोबी घाट है उसके ऊपर लैंटर डाल के वहाँ पार्किंग बना दी जाए, उसके उनका भी ऊपर सरकार ने कोई अभी तक कोई वो नहीं किया। सरकार ही जब उसमें कोई ले रही है, इंटरफेयर ही नहीं कर रही है सरकार अभी तक। सरकार कितने सालों के दिए, उनको 2 साल से हो गए होंगे कम से कम इस जमीन को दिए, वो यहाँ पे पार्किंग बना दी जाए, पर सरकार कोई वो नहीं ले रही है। मनसा देवी श्राइन बोर्ड का कुछ नहीं कर रहे हैं। कालका निवासी अरुण कुमार जैन ने बताया कि कालका काली माता मंदिर के लिए प्रशासन ने अभी तक पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं किया है। रात में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपने वाहनों को पार्क करना बेहद ही कठिन है, जिस कारण दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी मांग कर काली माता मंदिर के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था करवाने की मांग की है। पार्किंग होनी चाहिए वहाँ पर, मेरा ख्याल से काम भी चल रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। ये जो पीछे काली माता के मंदिर के पीछे है ना, वहाँ पार्किंग का मेरा ख्याल तो काम लगा हुआ है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया। तो चाहे सरकार किसी की भी है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, मैं राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं कर रहा किसी, मैं तो सीधे तौर पर बात कर रहा हूँ कि ये काम तो ज़रूरी है। आम आदमी भी जो मार्केट में सामान लेने के लिए आया है वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकता है, गाड़ी खड़ी करके मार्केट में शॉपिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो इसकी तरफ तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, काली माता मंदिर के पीछे जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ बनाया जाए, उससे लोगों को बहुत सुविधा ही होगी। हर जगह मेरा ख्याल है कि पार्किंग प्लेस तो होना चाहिए जरूर। कालका निवासी पंडित दिनेश सावरनी ने कहा कि दूर दूर से आने वाले माँ के भक्तों को पार्किंग के लिए भारी मुश्किल झेलनी पड़ती है। काली माता मंदिर की पार्किंग बेहद जरूरी है। पंडित दिनेश सावरनी ने कहा कि यदि श्राइन बोर्ड को मुफ्त में जमीन उपलब्ध हो रही है तो प्रशासन और सरकार को इस ओर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पार्किंग ना होने से भक्तों का ध्यान भी वाहनों की ओर लगा रहता है। बहुत असुविधा होती है लोगों को, जो बाहर से भक्तगण आते हैं उनको बहुत असुविधा होती है, तो इसके लिए पार्किंग तो बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। बीच में तो एक सुखना नदी है ना, उसके मुताबिक उस पर पुल लगेगा, क्या लगेगा, कैसे होगा, ये सरकार अपने आप ही देखेगी। अगर हाँ, अगर मिल जाती है तो प्रभु कृपा से काफ़ी अच्छा रहेगा। हम तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है, मांग है कि प्रभु कृपा से पार्किंग होना चाहिए,
जिससे कि सभी भक्तों का भी उनको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आधा दिमाग तो उनका गाड़ी में ही लगा रहता है, दर्शन ही नहीं हो पाते। डीसीएम के संचालक कालका निवासी अजय अग्रवाल ने बताया कि कालका में काली माता मंदिर की पार्किंग की मांग काफी अरसे से लटकी पड़ी है, जिससे हजारों श्रद्धालुगण परेशान होते हैं और यह गंभीर मुद्दा है। और दुकानदारों के लिए भी सुविधाएं हो जाएंगी कि पार्किंग में वाहन खड़ा कर शॉपिंग भी कर सकेंगे और कालका में ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल हो जाएगी और दुकानदारों का कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ जाएगी। ये एक हमारे शहर का बहुत देर से लंबित लटका हुआ मुद्दा है। सारा शहर, सारे गाँव वासी, सारे शहर वासी, दूर दूर से आने वाले यात्री, सभी लोग इस बात के लिए बहुत परेशान होते हैं कि शहर में कालका माई मंदिर जी पर कोई पार्किंग नहीं है। यहाँ पर एक बहुत विशाल लंबी चौड़ी मल्टी स्टोरेज पार्किंग बननी चाहिए, जिसके अंदर श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ बिल्कुल निःशुल्क खड़ी होनी चाहिए और कोई बाहर से अगर आए तो उसको सुविधा होनी चाहिए, उसमें शौचालय सुविधा होनी चाहिए, छोटी मोटी मार्केट बनी होनी चाहिए और बहुत तरह की उसमें सुविधाएँ होनी चाहिए। इतना कारोबार बढ़ जाएगा, शहर का कल्याण हो जाएगा और मंदिर पर भी श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे। इसमें श्रद्धालु भी आते हुए सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि स्थान ही नहीं है गाड़ी खड़ी करने की। लोग मंडी में, रेलवे रोड पे या शहर से बाहर गाड़ियां खड़ी करके वहां से ऑटो इत्यादि लेकर के या पैदल ही थके हारे कालका माई के मंदिर आते हैं और बहुत परेशान होते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत से पैसे खर्चने पड़ते हैं और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, मंदिर प्रशासन से रिक्वेस्ट है, वैसे तो कालका माई ने करना है, किसी ने कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब आप एक जिम्मेदार अहदे पर बैठे हो, मुख्यमंत्री जी इस काम करें, हमारे लोकल MLA इस काम करें, हमारे अधिकारी इस काम करें, जल्दी से जल्दी कालका माई के मंदिर पे पार्किंग का इंतजाम किया जाए, चाहे वो पहाड़ पे हो, चाहे वो खेत में बनाएं या रोड पे कोई बड़ा ब्रिज लगाएं, सभी श्रद्धालुओं के लिए लोकल पार्किंग, मंदिर पार्किंग अवश्य होनी चाहिए। कालका निवासी एवं व्यापारी प्रेम सागर आर्य ने बताया कि कालका में काली माता मंदिर की पार्किंग का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। श्रद्धालुओं को अपने वाहनों को काफी दूर खड़ा करना पड़ता है। यदि यहां पार्किंग बन जाएगी तो दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम सागर आर्य ने कहा कि प्रशासन और सरकार, यहां के लोकल लोगों की राय भी लेनी चाहिए ताकि पार्किंग की सही व्यवस्था हो सके। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वो पार्किंग की वजह से जो है वो परेशान होते हैं, बहुत दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ानी पड़ती हैं, क्योंकि मेन रोड है, मेन रोड पे पार्किंग की व्यवस्था जब तक ना हो, जब तक बाहर के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का काम है। राणा सरकार से मांग करेंगे कि मंदिर में का प्रबंधन का जो जिम्मेवार सरकार का है, तो सरकार को ही अरेंज करना है ना, कैसे कहाँ से करें, कैसे करें। सरकार को इस बारे में शहर के प्रबुद्ध आदमियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही। मेन तो पार्किंग की है जी, बाकी तो वहाँ पर सारी जो भी कुछ आता है अपनी श्रद्धा से आता है। अब कोई वो तो जमाना गया, अभी जो लोग वैसे आते थे, अब तो हर एक आदमी अपनी पार्किंग में आता है, अपनी फैसिलिटी के मुताबिक आता है, पार्किंग वैसे यहाँ परेशान होता है। काली माता मंदिर के साथ पहाड़ी पर बालाजी मंदिर है और बालाजी मंदिर की ओर से बिल्कुल मुफ्त में 11 बीघा जमीन दी जा रही है, मगर श्राइन बोर्ड पंचकुला ये मुफ्त में जमीन लेने से मना कर रहा है। हालांकि ये जमीन मिलने से यहां पार्किंग स्थल, लंगर हॉल, धर्मशाला आदि बन सकती है और ये जमीन फिलहाल व्हाइट हाउस पिंजौर और प्रसिद्ध समाज सेवी संतराम शर्मा के अधीन है और इस जमीन को बिना किसी शर्त के दी जा रही है। लेकिन संतराम शर्मा का कहना है कि श्राइन बोर्ड इनकी जमीन लेने से कतरा रहा है। हालांकि यहां पुल बनाकर पार्किंग की समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस संबंध में कालका के लोगों के साथ मिलकर, हरियाणा मुख्यमंत्री से मिलकर कालका में काली माता मंदिर की समस्या का हल निकाला जा सकता है। बालाजी मंदिर की जगह है, मलकियत है बालाजी मंदिर की, और हमने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि यहाँ मंदिर में जो है प्रॉब्लम है पार्किंग की, तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव मान के मेरे को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है और उसमें लिखा हुआ है कि भी 11 बीघे जगह जो है पार्किंग के लिए दी जाएगी बिना शर्त, ना मंदिर की कोई शर्त है ना हमारी कोई शर्त है, और वो जगह बिल्कुल मंदिर के साथ लगती है, बीच में सिर्फ नदी है और वो नदी पे पुल बन के उसमें पार्किंग भी बन सकती है
और उसमें जो लंगर हाल बन सकते हैं और लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला भी बन सकती है। ये सारी चीज़ें लोगों के सहयोग से बनेंगी, जनता के सहयोग से। कालकार पंजौर की जनता अगर उसमें थोड़ा सहयोग करें तो ये सारा मसला जो है हल हो सकता है। मैं तो अकेला उठा ही रहा हूँ काफ़ी देर से मसला, पर मसला सिरे चढ़ नहीं रहा। तो हम दोबारा वो कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा दोबारा उनके ध्यान में लाया जाए मसला, और कालका क्षेत्र के लोग भी मेरे साथ चलें और हम ध्यान में ले आएंगे मुख्यमंत्री के, तो शायद बन जाए बात। कालका में काली माता मंदिर की पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन पार्किंग को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है और हजारों श्रद्धालुगण पार्किंग ना होने से परेशान रहते हैं। क्या काली माता मंदिर की पार्किंग बन पाएगी या नहीं, और क्या प्रशासन बालाजी मंदिर की भी फ्री जगह लेगा या नहीं, या कोई और हल निकलेगा, कुछ नहीं पता है। लोग पार्किंग की व्यवस्था को लेकर इंतजार में हैं।